Excellent. शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत करते हैं साहित्य संगीत संसद में एक उदीयमान गायक नीतीश कुमार का. बहुत बहुत स्वागत है नीतीश, और हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें. मेरा नाम नीतीश कुमार, शाहपुर पटोरी समस्तीपुर, और मैं शास्त्रीय संगीत का शिक्षा दीक्षा भी प्राप्त कर रहा हूँ, और मैं MA इन म्यूजिक MMUSE की डिग्री मिथिला यूनिवर्सिटी से अभी ले रहा हूँ, उसका कोर्स कर रहा हूँ, और मैं यही शास्त्रीय संगीत में ही विशेष तौर से मेरा अभिरुचि रही है. शास्त्रीय संगीत में अभिरुचि है और शास्त्रीय संगीत में आप डिग्री भी प्राप्त कर रहे हैं. स्वाभाविक है, अपना परिचय तो आपने दिया और अब एक परिचय होता है. कहते हैं ना कि पूछते हो पता क्या मुझसे, ये पता अगर पूछना है तो मेरे फन से पूछो, मेरे फनकार से पूछो. तो मैं चाहूँगा कि कलाकार अपना परिचय दे एक अपने अंदाज में जो उसका परिचय होता. मैं सबसे पहले शास्त्रीय संगीत का एक छोटा सा बंदिश राग भीम पलासी में अच्छा प्रयास कर रहा हूँ. ये राग की एक समयावधि होती है, तो राग ये भीम पलासी जिसका आपने जिक्र की कहा, ये राग का क्या समय रहता है इसके गायन का? वैसे राग का गायन समय है रात्रि का द्वितीय पहर. हाँ जी ठीक है. यानी अगर कोई हमें सुन रहे हो और अगर इसको चाहते हो जनरल नॉलेज की तरह से भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है कि किस राग को किस समय गायन जाता है, तो आप बता रहे हैं कि रात्रि के दूसरे पहर में इसका गायन होता है, और हम फिलहाल अभी महसूस करें कि वो पहर है और हमारे साथ है नीतीश, तो इस राग को शुरू करते हैं. सबसे पहले आरोह अवरोह पकड़, फिर एक तीन ताल में निबद्ध छोटी सी बंदिश मैं उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ. जा
सारे अपने मंदिरवा जा जा रे जा। शास्त्रीय के शास्त्र पर झक्कास पत्थर सैल्यूट करते हैं। और अभी आपने अपनी एक अपनी जो साधना आपने की है इसको आपने बताया कि किस प्रकार का रहा है, और शास्त्रीय गायन करते वक्त क्या सावधानी है, हम अपनी चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को आप बताने का यह प्रयास करेंगे कि किन सावधानियों को एक स्टूडेंट अगर सीखना शुरू करे तो उसके लिए पहली सीढ़ी पर, पहले आरंभ करने के लिए आदि बिंदु पर किन सावधानियों की जरूरत है। शास्त्रीय संगीत का जो सावधानी बरतना है, सबसे पहले कि हम एक ही कॉलेज में, एक ही स्कूल में, एक ही जगह पे अनेक संप्रदाय के स्टूडेंट रहते हैं, अनेक जगह के बच्चे रहते हैं, गुरुजी भी हर एक जगह के रहते हैं, तो सबसे पहले शास्त्रीय संगीत को अपने अंदर बसाने के लिए सबसे पहले हमने जो अनुभव किया है ये भेदभाव जो यहाँ पे होते हैं इसको आपको दूर करना है। बिल्कुल, इसको दूर करना है। यानी कहने का अभिप्राय है कि किसी भी प्रकार का किसी तरीके से आपकी जेहन, यानी आप व्यवहारिक रूप में अंदर से किसी तरीके का ऐसा ना हो कि आप किसी खास फ्रेम में जाकर जड़ हो गए, बल्कि इनसे आपको मुक्त होना है। जितना आप मुक्त होंगे उतना आप ज़्यादा बेहतर शास्त्रीय गायन की या शास्त्रीय साधक होने की जो पात्रता है इसको आप प्राप्त कर पाएंगे। हम इस संदर्भ में बातचीत हमारी आगे बढ़ेगी, लेकिन हम चाहेंगे कि इस अब हमारे श्रोताओं को आप अब इस विधा, यानी इसी विधा का अथवा इसके अलावे माँ सरस्वती के संगीत के की तो अनेक नदियाँ और अनेक धाराएं बहती है, तो आप किसी धारा से हमारे श्रोताओं को परिचित करें या इसी शास्त्रीय से चलेंगे आप? नहीं, मैं शास्त्रीय कुछ फिल्म संगीत की ओर। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी, जो लोग मेलोडी जिसको लोग कहते हैं ना, एकदम बिल्कुल मेलोडी। तो मैं 1968 का ये सॉन्ग है, मुकेश साहब जी के द्वारा गाया गया। क्या बात, तो फिल्म सरस्वती चंद में आया था। वाह, तो क्या अब मैं गेस करूं? यस, एक था चंदन सावधान, चंचल चित्र, लेकिन सरस्वती चंद्र का एक गाना और भी बड़ा, मुकेश और लता की शानदार जुगलबंदी फूल तुझे भेजा है, आपने सुना? अच्छा, तो फिलहाल सरस्वती चंदन सावधान चंचल चित्रवन जी। चंदन सावधन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सावधन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है, किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, अब और न मुझको तरसाना। चंदन सावधन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। एकदम मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं आप मेरे सामने अगर आप बैठे नहीं होते और मैं अगर केवल यह गीत सुन रहा होता तो मुझे लगता कि शायद मैं मुकेश को ही सुन रहा, तो ये खास बात रही, बहुत जबरदस्त है। एक क्वेश्चन आपसे है, आपको सबसे अधिक प्रेरणा किस गायक से मिलती रही?
किसके गीत को सुन करके लगा इस मुकाम को हासिल करने की कोशिश की जाए। कहते हैं ना वो आसमां में लोग एक सितारा को सुनिश्चित करते, तारा को निश्चित करते और जमीन से चलना शुरू कर देते। तो संगीत की आसमां में संगीत के कौन से तारे हैं, कौन से सितारे हैं जिसको जमीन पर से देखकर नीतीश ने चलना सब शुरू किया? सबसे पहले परम आदरणीय हमारे अनूप जलोटा जी हैं जी। अच्छा 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 भाई, अनूप जलोटा जी भजन सम्राट, क्या बात है। तो जब आप अनूप जलोटा का परम आदरणीय हैं, तो परम आदरणीय अनूप जलोटा का उनके लोक भजन रूपी लोटा सागर उससे निकाली कुछ बोल। है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का कीर्तन किया करे। वाह क्या बात है। हीरे मोती की है, हाथ जो भगवान का पूजन किया करे, मड़कड़ भी अमर नाम है उस जीव का जग में, हरि प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हड़ी गुनगाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, वो तो प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन। वाह इतनी समझ मुझको है तो मुझे लगता है क्या कि आपके अंदर भी वही लगन लग गई और मीरा वाली है ना, भगवान करे। और वो मीरा लगन ऐसी लगी थी, लगन ऐसी लगी थी कि बीस पी लिया पर बीस अमृत की तरह व्यवहार किया। तो जब किसी को साधना की, जब कोई किसी क्षेत्र में दीवानापन आ जाता है, दीवानी कोई मीरा की तरह बन जाए, जैसे मीरा दीवानी हुई कृष्ण की, उसी तरीके से मुझे लगता है कि कोई किसी के अंदर अगर संगीत का दीवानापन आ जाए, किसी के अंदर किसी अपने क्षेत्र विशेष का दीवानापन अगर आ जाए, तो हर पीस जो जमाना देता है वह अमृत की तरह व्यवहार करने लगता है। तो हम चाहेंगे कि अपने मुखारविंद से अपने पसंद के कोई भजन गजल कुछ भी। एक चंदन दास जी का गजल है। चंदन दास का गजल है, क्या बात है। हमारे पसंदीदा गजल गायकों में से एक है चंदन दास। उन्हीं की एक गजल दो लाइन प्रस्तुत करता हूँ जी। खुदा का जिक्र करे या तुम्हारी बात करे, खुदा का जिक्र करें
या तुम्हारी बात करे, हमें तो इश्क से मतलब किसी की बात करे, खुदा का जिक्र करे या तुम्हारी बात करे, कदम कदम पे जहां मौत इंतजार करे, कदम कदम पे जहां मौत इंतजार करे, बड़ी मजा है अगर जिंदगी की बात करे, बड़ी मजा है अगर जिंदगी की बात करे, खुदा का जिक्र करे या तुम्हारी बात करे। साहित्य संगीत संसद में अपनी उपस्थिति आपने दर्ज की, इस संसद की शोभा को बढ़ाया, इसके लिए संसद की ओर से, अपनी ओर से, संसद की ओर से ढेरों ढेरों, यूं समझ लें आकाश भर अनंत शुभकामनाएं। आपका सफर असीम ऊंचाई को छुए और अनवरत चलता रहे, तमाम शुभकामनाएं हमारी ओर से आपके लिए है, और अपेक्षा करते हैं कि आपकी जो शास्त्रीय संगीत की साधना है यह आप में उतरते जाएगी और आपको एक बहुत सुंदर गायक के रूप में तब्दील करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।